हेलो एवरीवन, इस समय बजे हैं दोपहर के 1:30 और मेरा किचन का सारा काम हो चुका है और अभी शाम को मुझे जाना है हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल क्यों जाना है वो मैं आपको बता दूँगी। उससे पहले आप देख रहे होंगे मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा थका थका लग रहा है। वो उसका कारण ये है कि थका इसलिए कि वहीं कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा तनाव है। तनाव इस बात को लेकर के है कि मेरी एक भतीजी है 7 साल की, मेरे दो भाई हैं, तो एक भाई के तो 3 बेटे ही बेटे हैं और जो छोटा वाला है, मैंने बड़े भाई के 3 बेटे ही बेटे हैं और जो छोटा वाला भाई है मेरा, तो मुझसे छोटा है, उसकी एक बेटी है वो 7 साल की है। तो उसको लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, अचानक से उसको बहुत तेज़ फीवर आया। तो जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कुछ जांचें लिखी और कहा कि इसको तुरंत ही एडमिट करना पड़ेगा। तो जब उसको एडमिट किया और उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया गया तो उसके लीवर में इन्फेक्शन है, प्रॉब्लम है और आज उसको 5 दिन हो गए हैं भर्ती हुए, लेकिन अभी उसको बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिल रहा है। जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रोती है कि बुआ घर ले चलो, बुआ घर ले चलो, है उसके पेट में दर्द होता है, कभी कहती है बुआ सर में दर्द हो रहा है, कभी बोलती है कि बुआ मुझे ठंड लग रही है, कभी बोलती है गर्मी लग रही है। तो उसकी जब हालत देखते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस होती है और कई बार रोना भी आता है। कई बार जब मैं फ़ोन से भी सिचुएशन लेती रहती हूँ तो फ़ोन में भी कई बार वो रो रही होती है। जैसे डॉक्टर आते हैं या नर्सेस आती हैं उसकी सफाई करने या दवाई लगाने तो बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है मुझे नहीं लगवाना है, सब लोग बाहर जाओ और मुझे किसी से बात नहीं करनी है, लाइट्स बंद कर दो। इस तरीके से वो रोती है तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है कि इतनी छोटी सी बच्ची को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है और वो कब ठीक होगी पता नहीं। बस भगवान से प्रे कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए और बस प्रेयर ही कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी अपना काम कर रहे हैं। 2-3 डॉक्टर्स को और रिपोर्ट भेज के कंसल्ट किया है कि अगर इन डॉक्टर से कोई प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो रही तो किसी और डॉक्टर को दिखाते हैं। हालांकि इसको बहुत अच्छे लीवर के हॉस्पिटल में एडमिट किया है, लीवर के सारे डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, पर मैं चाह रही थी कि उसे किसी और डॉक्टर को भी दिखाया जाए। तो मेरी भाभी ने 2-3 डॉक्टरों से बात की है, वो बोल रहे हैं कि नहीं इसको आराम मिलेगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। सबसे बड़ी बात ये आराम, जब अपने को कोई तकलीफ़ होती है तो बड़ी अजीब सा लगता है, लगता कोई बात नहीं करे, कोई कुछ ना करे। तो वो तो अभी 7 साल की बच्ची है जो अभी कुछ जानती भी नहीं है और उसको क्या पता कि ये प्रॉब्लम उसे क्यों और किस तरीके से हो गई। हम सब भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उसको ये प्रॉब्लम कैसे और अचानक क्यों होंगे, ऐसा क्या उसने खाया पिया कि जो उसको इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई है। समझ लीजिए वो कुछ भी खाती है तो उल्टी कर देती है। डॉक्टर ने कहा कि इसको छीना खिलाइए, पनीर खिलाइए, इसको हर एक चीज़ खिलाइए, मतलब जो जिससे कुछ खाए ताकि के शरीर में कुछ पहुँचे। अगर आप लोग इसे नहीं खिलाएंगे तो फिर हमें इसके नाक में नली डाल करके लिक्विड डालना पड़ेगा। तो हम सब चाहते हैं कि नाक में नली ना पड़े और वो किस तरीके से खिला ले। तो मैं तो आ भी जाती हूँ अपने घर पर, मेरी सिस्टर एक बाहर रहती हैं, वो 4-5 दिनों से वहाँ पर बराबर हैं, तो मैं भी चली जाती हूँ पर मैं लौट आती हूँ, वो रहती हैं कंटिन्यू। तो वो और मम्मी ज़बरदस्ती उसको किसी तरीके से कुछ बहाना करके घुमाने फिराने के लिए, डॉक्टर ने कहा कि इसको घुमा करके लाओ, तो उसको पास में ही बिग बाज़ार बना है तो वहाँ ले गए, वहाँ घुमा के लाए, खिलौना दिला करके लाए। बेटा आप क्या खाओगे ये पूछते हैं, वो कुछ भी खाने के लिए कुछ वो मना करती, चॉकलेट खाओगे नहीं, आइसक्रीम खाओगे नहीं, जबकि उसको आइसक्रीम चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है पर वो नहीं खा रही है। गोकू छोटा बेटा बाहर डॉक्टरी कर रहा है, उसे पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक है। वो हालांकि क्यारी में जिस साइड पर बैठा है वहाँ छाई आ गई, पर वो जो है क्यारी में खुरपी लेके लगे हुए, पेपर तो सारे उनके ख़त्म हो गए हैं, परसों उनका लास्ट पेपर था, पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। अब वो बस टाइम तो पास होता नहीं है तो अब
कहीं मोबाइल में, कहीं कुछ ऐसे ही पूरा उनका दिन निकलता रहता है। अब कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटी में लगाएंगे ताकि उनका टाइम भी कट जाए और वो बोर भी ना हो। और अभी तक नहाया नहीं, 1:30 बज गया, अभी तक नहाया नहीं उन्होंने। नाश्ता वगैरह कर लिया, मैं कह रही हूँ नहा लो, धूप बहुत तेज़ होने लगी है, क्योंकि पानी फिर गर्म होने लगता है और फिर गर्म गर्म पानी से नहाओ तो वो ठीक नहीं। देखिए मेरा चेहरा कितना थका लग रहा है, मुझे लग रहा है ऐसे ऐसे कि मैं थोड़ी देर 10 या 15 मिनट के लिए ही चाहे लेट जाऊँ और मुझे एक झपकी लग जाए, मैं सो जाऊँ और उसके बाद उठूँ तो फटाफट मैं हॉस्पिटल के लिए चली जाऊँ, क्योंकि धूप इतनी तेज़ होने लगी है कि इतनी धूप में निकलने का भी मन नहीं होता है। बट जाना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बस दिन रात ये प्रे भगवान वो जल्दी से अच्छी हो जाए, जल्दी से अच्छी हो जाए। उसका रोना नहीं देखा जाता है, और सबसे बड़ी बात वो कुछ खा नहीं रही है। वो खाने लगे तो मन को तसल्ली हो जाए कि वो खाने लगे, उसकी कुछ भी इच्छा ही नहीं होती, किसी भी चीज़ को उसको खाने की इच्छा ही नहीं होती। चाहे आप कितनी भी अच्छी चीज़ उसको खिलाने की कोशिश करो, फ्रूट्स खिलाओ नहीं खाना, फल या कुछ और भी खिलाओ वो भी नहीं खाना है। तो मैंने कल मम्मी से शाम को, मतलब हॉस्पिटल से आने के बाद मम्मी हॉस्पिटल में थी तो मैंने फिर रात में कॉल किया, तो मैंने वीडियो कॉल करने के लिए कहा तो बोली कि नहीं अभी मत करो, उसको फीवर बहुत ज़्यादा आ गया है और फीवर में उसको ओरल दवाइयाँ बंद कर दी हैं। जो भी है डॉक्टर ने कहा कि फीवर की कोई दवा नहीं इसको दी जाएगी, तो पट्टियाँ रख रख के भाभी उसका फीवर उतार रही थी। तो ख़राब लगता है जब अपना ही घर का कोई बीमार पड़ जाता है तो मन नहीं लगता आपका भी किसी काम में, तो ऐसे ही मेरा भी है, किसी काम में मेरा भी मन नहीं लग रहा है। बस सब यही चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि भैया भी नहीं है इसमें, भैया बाहर चले गए हैं अपनी जॉब के सिलसिले में, पर भाभी देख रही हैं और मम्मी हैं साथ में, बड़े भैया हैं, बड़े भाभी हैं, तो वो सब लोग देख रहे हैं। तो इतनी प्रॉब्लम में, हालांकि उन्होंने कहा कि मैं आ जाता हूँ, तो सबने कहा कि नहीं आपको आने की इतनी ज़रूरत नहीं है, हम लोग सब लोग हैंडल कर लेंगे, अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो आपको आना पड़ेगा, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। नहाने जाओ, कब नहाने जाओगे? जल्दी जल्दी जाके नहा लो। तो बस चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। और मेरा पता नहीं क्यों सर में पेन होने लगा है, वहाँ का देख देख करके, और अपने को भी थकान होती शायद इसलिए भी पेन हो सकता है, या उस बच्चे को देख करके भी पेन होता। कहते हैं कि जब बड़ों को परेशानी हो तो मुसीबत है, और वो तो बच्चा है, बस वो रोती ही रहती है, रोती ही रहती है। बस कोई जाता है तो बस बुआ घर ले चलो बुआ, बस यही बोलती रहती है। तो सब उसको बहला बहला के खिलाने की कोशिश करते हैं कि जल्दी से खा लो फिर तुम्हें घर लेके चलेंगे, तो ज़बरदस्ती 1-2 बाइट खाती है और कई बार वो वोमिट भी कर देती है। चलिए बस प्रेयर ही कर सकते हैं हम सब, और इम्प्रूवमेंट की कामना कर सकते हैं कि वो जल्दी से जल्द अच्छी हो जाए। चलिए बस अब ज़्यादा बात करने का मेरा मूड नहीं हो रहा है, बस इस यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, फिर कल आपसे मिलेंगे, देखते हैं कल क्या सिचुएशन उसकी होती है।